सब चीज़ें, चाहे आप अनाज से लगाओ, चाहे दालों से लगाओ, चाहे सब्जियों से लगाओ, चाहे मसाले से लगाओ, सब चीज़ हो जाती है कमी करने वाली। तो यहाँ है पलायन लेकिन फिर भी खेती करते हैं। कुछ गांव तो मैंने ऐसे देखे जो बिल्कुल खाली हो और अच्छी उपजाऊ जमीन बंजर पड़ी। सब आज स्थिति है पलायन की वजह से सब खेत खत्म हो गए। क्या हमारे पूर्वज कितने उठे कहाँ काम मकान खेत बना थे उन्होंने, आज जो है सब बंजर हो गया। मैं रमेश चंद जोशी, गांव मेरा सोनी है, उम्र मेरी 68 साल की है। मैं इससे पहले मैं 2 बार प्रधान रह चुका हूँ, 2 बार प्रधान और 1 बार क्षेत्र पंचायत रहा हूँ मैं। गांव की मुख्य समस्या पलायन की होती है। अब तो गांव में हमारा जो है मेरी 95% पलायन की ओर है, हमारा गांव अग्रसर है। तो मुश्किल से एक एक परिवार में एक एक दो दो मतलब लोग रहते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वही रह रहे हैं गाँव में, एक दो परिवार हैं, बाकी तो सब उनके बच्चे भी सब बाहर ही हैं, बस यही है। तो टोटल 160-170 परिवार का गांव आज जो है 20-30 पे पहुंच चुका है। देखते ही देखते गांव खाली होते जाते हैं और नवयुवक बेहतर भविष्य की आस लिए शहरों की ओर बढ़ने लगते हैं। क्या कंसेप्ट है, बच्चा क्या देखता है कि जिसका घर जितना टूटा फूटा है उतना बड़ा आदमी है। अगर जिसके घर में खूब ठीक ठाक है इसका मतलब वो गरीब है। गांव में किसका मकान टूटा फूटा है वही तो है जो बाहर आईएएस या बड़े साइंटिस्ट या बड़े लोग बने। हालांकि ज्यादातर लोग शहरों में पहुंचकर स्थायी नौकरी ही करते हैं, पर घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने में उनकी आय कम पड़ जाती है। मैं दिल्ली चले गया, मेरे को अगर 20,000 रुपये वहां पे तनख्वाह मिलेगी, 20 में तो मेरे 8 भी नहीं बचेगी, 5,000 का तो मैं रूम लूंगा, 5,000 रुपये मेरा आने जाने का खर्चा हो गया, घर में कोई तकलीफ होगी तो आना पड़ेगा मुझे तुरंत। यहाँ पे आदमी को अगर अपने घर के नजदीक उसको अगर 5-7-8 हज़ार भी मिल जाए तो बहुत है, अपने घर बैठा है कम से कम, अपने बच्चों के साथ में बैठा हूँ। भारतवर्ष के उत्तरी राज्यों में से एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस भूमि पर अनेक कथाओं व कहानियों ने जन्म लिया और यह कहानी उन लोगों की है जो जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग करके की गई। यह राज्य 3 समतल और 10 पहाड़ी जिलों से मिलकर बना है। उत्तराखंड के बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य था पहाड़ी क्षेत्रों का उचित विकास, पर विकास के वादे पलायन को रोकने में असफल रहे। 20 साल बाद आज पौड़ी जिले का यह गांव खाली होने की कगार पर है, पर यह सिर्फ इस गांव की ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की कहानी है। उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों के 900 से अधिक गाँव खाली हो चुके हैं और कई अन्य गांवों की जनसंख्या ना के बराबर रह चुकी है। तो पलायन तो उस घर से पहले हुआ जो ज्यादा सक्षम था, क्योंकि उसने उस समय जो है नीचे जमीन खरीद दी, अपना पैसा लगा दिया और नौकरी के चलते चलते बच्चों को पढ़ाना हो चाहे अपने सुख सुविधा देखनी हो वो पहले गए। उनके देखे देखी उनका अगर एक बेटा है किसी का, वो घर में खेती बाड़ी कर रहा था, वो भी जो है उनके सारे को उन्हें चाचा मैं भी तेरे साथ आता हूँ, मेरे को कहीं जुगाड़ कर दे होटल ना। तो उस समय सड़कें थी, बहुत सारे गांव में बिजली पानी की दिक्कतें थी, तो लोगों ने अपने बच्चों को लेकर के जो है उनके शिक्षा दीक्षा के चक्कर में यहाँ से चले गए। इस तरह के पलायन के कई कारण हैं जो सभी मुख्य रूप से क्षेत्र के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हर वर्ष योजनाएं चलती हैं मगर धरातल पर कोई विकास दिखाई नहीं देता है। अब कई इसके कई कारण हैं, सरकार भी उदासीन है, मतलब खाली उसको कहने की बात है कि विकास हो रहा है, विकास क्या है, चंद ही लोगों को फायदा मिल रहा, मतलब तो पैसे की बर्बादी है।
आज सभी विकास का महत्व भलीभांति समझते हैं, फिर भी विकास का अर्थ हर किसी के लिए काफी अलग है। विकास जो भी एक अच्छी चीज होती है विकास ही होती है, जैसे नई नई रोड तैयार हो रही है, ये भी विकास ही है। जिसको मत वाला ऐसा है कि मिलना चाहे वो तो उसको तो नहीं मिलता है, और जिसको नहीं मिलना चाहे उसके लिए सब कुछ। तब वही कोई विकास कर सकता हूँ भाई, बाद मैं सब नहीं पा सकूँ बाबा, गौड़ो नहीं पा सकूँ। क्या सुविधाएं होगी इस रोड से? रोड से बहुत सुविधाएं भाई, कभी ऋषिकेश जाने में यहाँ से टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, कई दफ़े गाड़ी को पासिंग नहीं मिलती थी, लेकिन आज की डेट में इतना है कि तीन तीन गाड़ियाँ एक साथ आराम से जा सकती हैं। ये जो विकास की प्रक्रिया चल रही है ये लगभग विनाश की ओर ले जा रही है, इस बात को बहुत सारे लोग कह रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको करते हुए भी समझना नहीं चाहते क्योंकि उसमें निहित स्वार्थ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। उत्तराखंड में इस समय सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस परियोजना को चारधाम हाईवे या ऑल वेदर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के कुल 900 किलोमीटर की लंबाई के अलग अलग हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। तो जो रहते थे यहाँ पे चले गए, उनको क्लीन हो गई। किधर गए? कुछ कंपनसेशन मिला उनको? ये तो घर कौन छोड़ेगा? अभी 10 दुकानें थी तो 10 दुकानों में से 10 दुकानों में कोई रोजगारी तो रहा होगा। अब मकान मालिक को तो मिल गया, लेकिन दुकानदार बेचारे अपना सामान समेट के करते लेंगे। हिमांशु अरोड़ा उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने ऑल वेदर रोड परियोजना में गलत तरीके से काम किए जाने का विरोध किया और इसके खिलाफ पहले एनजीटी में फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया। सड़क का चौड़ीकरण हुआ तो जो भी दुकानें थी वो पूरे के पूरे तबाह हो गए। उसमें सरकार ने मुआवजा दिया नो डाउट, पर उसमें मुआवजा मिला मकान मालिकों, जो दुकान किराएदार वहां बैठे हुए थे कई वर्षों से उनका क्या हुआ? फिर जो विस्थापित हुए, अब विस्थापित हो गए वो कहेगा मैं अब यहाँ पहाड़ पे क्या बचूं, जब मेरा नुकसान हो गया यहाँ क्या बसने की जरूरत है, वो सीधा पलायन कर गया। या तो वो लोग कहीं देहरादून कहीं ऋषिकेश कहीं हरिद्वार उन्होंने शरण ली, जो भी उनका पैसा विस्थापन का मिला उन्होंने यहाँ छोटी छोटी जमीन खरीद के आज उनके बच्चे जो है छोटी छोटी नौकरियां होटलों में कर रहे हैं। ऑल वेदर से आने वाले समय में पर्यटन में इजाफा होगा, आशा है कि स्थानीय रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। चौड़ी सड़क की बदौलत पर्यटक न सिर्फ बड़ी संख्या में बल्कि बहुत तेजी से भी अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। पर्यटक आता है कहीं से भी वो अपनी बस लेकर के जो है गंगोत्री तक पहुंच जाएगा, उत्तरकाशी पहुंच जाएगा। अब जब बढ़िया रोड बनेगी तो आदमी जो है ऋषिकेश से उन्हें खा पी के आराम से चलेगा, उन्हें रोड बढ़िया आप निकलते हैं उत्तरकाशी, बीच का तो साफ ही चला जाएगा और खाएगा ना पिएगा कुछ नहीं करता। देखा हमने ये चीजें। अनुचित रूप से चले आ रहे विकास कार्यों का असर लोगों के साथ साथ पर्यावरण पर भी पड़ रहा है, लेकिन तेजी से बढ़ती विकास कार्यों की गति पर्यावरण की अनदेखी कर ही देती है। जो 900 किलोमीटर की परियोजना है उसे 53 भागों में विभाजित कर दिया गया था और अलग अलग ठेके अलग अलग कंपनियों को दिए जा चुके थे, क्योंकि अगर वो 900 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट दिखाते तो उनको EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता, तो जो कि जरूरी भी था ताकि जो प्रोजेक्ट था वो ज्यादा साइंटिफिक तरीके से चल पाता। पहाड़ों को गलत तरीके से काटा गया जिससे कि बहुत सारे नए लैंडस्लाइड जोन खुल गए, सड़कें चौड़ीकरण करने में 4 लेन 6 लेन 8 लेन करने हमने सब हरियाली तो खत्म कर दी। कोई तो जगह हो जो आदमी सुकून लेने के लिए आ सके, अगर वही मॉडल हम यहाँ भी फॉलो करेंगे कि हाँ हरियाली खत्म कर दें, फिर लोग उत्तराखंड किस लिए आएंगे? उत्तराखंड इंसान आ रहा है यहाँ के वेदर के लिए, और वेदर बहुत कुछ हरियाली पर डिपेंड। यहाँ अगर आप हरियाली नहीं बचाओगे, यहाँ अगर जो एक कल्चर है इसको नहीं बचाओगे तो फिर यहाँ भी लोग आना बंद कर देंगे।
जंगलों को चीरती इन आवाजों के आदि ना सिर्फ क्षेत्र के लोग बल्कि जंगली जानवर भी हो गए हैं। इस वजह से भी मानव और जंगली जानवरों के बीच की झड़प एक आम बात हो गई है। सात आठ दिन हो गए, रात हो गया, बाई आई पे आए तो हम बाहर आए डंडे लेके, अल्लाह करा हमने तब भागा। पहले रहते थे पर पहले इतना दिखाई नहीं देते थे, गांव में कम आते थे। अब तो यहाँ हम अंदर रहे तो दरवाजे खुला रहेगा तो भीतर चल जाएंगे। आज समस्या ये हो गई कि वो जानवर जो थे डर जाते थे, थोड़ा हल्ला मचाया, थोड़ा कंटर बजाया, भालू आ गया भाग गया। आज तो चाहे कंटर बजाओ चाहे कुत्ता छोड़ो, न तो बंदर डरता है, न डमरू डरता है, न सुअर डरता है, न कोई डरता है। हम भी अपने जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी अपने जिंदा रहने के लिए। उनके जिंदा रहने संकट क्यों हो गया जब ये विकास के नाम पर इतनी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, उनकी शांति भंग हो गई है, उनके जो आवास थे, उनके जो घर थे जंगल, वो नष्ट कर दिए गए हैं, उनका जो अब मिक्स फॉरेस्ट हो रही नहीं। ना तो पलायन का चक्र थम रहा है, ना ही विकास की गाड़ी रुकने का नाम लेती है। विकास की तेज गति में इंसान और उसके पर्यावरण के बीच फासले बढ़ते ही जा रहे हैं। पर्यावरण में धसी हमारी जड़ें तो उखड़ ही रही हैं, कहीं हमारे बीज भी इस चक्र में खत्म ना हो जाए। उत्तराखंड के विकास की कहानी प्रमुख रूप से आर्थिक विभाजन, पलायन, विस्थापन और पर्यावरण के विनाश से भरी है। पर यहाँ लोगों के संघर्ष की एक ऐसी कहानी भी मौजूद है जो राज्य के भविष्य को लेके उम्मीद जगाती है। उत्तराखंड के लोग लंबे समय से जंगलों के व्यापारिक इस्तेमाल का विरोध करते आए हैं। पिछले कुछ दशकों से उन्होंने पारंपरिक खेती जारी रखते हुए व्यापारिक एकल खेती का विरोध करना शुरू किया और पलायन की वजह से बढ़ रही आजीविका की समस्या का निवारण करने के प्रयास किए। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रयास है बीज बचाओ आंदोलन। तमाम कठिनाइयों के बीच आज भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो आशा के किरण बन के विकास की दूसरी तस्वीर सामने रखते हैं। यह देखा गया है कि उन इलाकों में पलायन का असर कम हुआ है जहां लोग परंपरागत बीजों की मिश्रित खेती पर निर्भर रहे। सुदेशाबेन पहाड़ों के बहुत से आंदोलनों में शामिल रही हैं और आज भी वो मिश्रित खेती की पद्धति बारा नाजा को जारी रखे हुए हैं। बारा नाजा का अर्थ है बारह अनाजों की खेती, जिन्हें मिश्रित तरीके से एक ही खेत में उगाया जाता है। ये अनाज पोषण से भरपूर होने के साथ साथ किसान के लिए खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। सुदेशा बेन आज उस समय को याद कर रही हैं जब हरित क्रांति के समय उन्होंने पहली बार हाइब्रिड बीजों और रासायनिक खादों का इस्तेमाल अपने खेतों में किया था। पहले पहले डाला तो ज़्यादा हो गया, फिर दूसरी बार डाला तो नहीं हुआ उतना, तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये बिल्कुल दारू है, जैसे जैसे हम इंसान दारू पीते वैसे हमारी खेती भी दारू पी के दिखा देती है, हरा हो जाता है ना, जब डालेंगे हम खाद को तो बिल्कुल ऐसे हरा दिखा दे। कईयों के खेत जब ज़्यादा ज़्यादा डाला लोगों ने तो बिल्कुल बारीक हुए गेहूँ, तो मैं तब से डालती नहीं हूँ खाद, चाहे कम हुआ वो बचाए ज़्यादा। हाइब्रिड बीजों को पहाड़ी खेती के अनुकूल ना पाने पर पहाड़ के कई किसानों ने उनका इस्तेमाल बंद कर दिया। उनमें से एक किसान विजय जरधारी भी थे। हाइब्रिड बीजों के आने के बाद कई परंपरागत बीजों की प्रजातियां लुप्त होने लगी। तब जरधारी जी ने अन्य किसानों के साथ मिलकर बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया। मैं अपने पिताजी से जब बात की तो वो कहने लगे, अरे तुम लोग तो सिर्फ पेड़ बचाने की बात करते हो, यहाँ तो हमारे सैकड़ों तरह के बीज होते थे पहले, और जब से नए बीज आने शुरू हुए तो पुराने बीज उनसे छूटते जा रहे हैं, वो लुप्त हो गए। उस समय सोयाबीन लाया जा रहा था एकल खेती, लोगों को कहा जाता था ये जो पारंपरिक मंडवा हो रहा छोड़ो, ये बेकार पकड़े हैं, ये बारनाजा छोड़ो और इसकी जगह सोयाबीन उगाओगे तो मालाबान बन जाओगे। पहले साल लोगों ने लगाया भी सोयाबीन, क्योंकि मुफ्त में बीज दिया जाता था, खाद भी दी जाती है, तो लेकिन अगले साल बहुत सारे लोगों ने लगाया तो बेचना मुश्किल हो गया। ऐसे में बहुत सारी महिलाओं का कहना था
कि अगर वो बारह नाजा जिसमें मंडवा झंगोरा अनेक तरह की दालें और कई तरह के अनाज होते हैं उन्हें उगाना छोड़ दें तो ये उनके लिए परेशानी ही खड़ी करेगा। उन्होंने कहा अगर हम कुछ खरीद भी लेंगे सारा गला खा लेंगे अपना मुंह खराब करेंगे लेकिन हमारे पशु क्या खाएंगे, क्योंकि पशु के लिए जो हमारी फसलें होती हैं आधा दाना अपने लिए और उसका अवशेष चारा भूसा पशु के काम आता है। तो ये अनुभव जो आया तो हम पुराने फिर दूरस्थ के इलाकों में गए जहाँ आज का कृषि विभाग नहीं पहुँचा था, कृषि वैज्ञानिक नहीं पहुँचा था, तो वहाँ तमाम तरह के बीज जो हमारे बुजुर्ग बता रहे थे वो सारे बीज हमें मिले और फिर हम लोगों ने एक एक पुट्ठी बीज ला के उसको उगाना शुरू किया और फिर उगा के लोगों में बांटना शुरू किया। तो यही से बीज बचाओ आंदोलन की एक शुरुआत है। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इस आंदोलन की अगुवाई कई लोगों ने की और परंपरागत बीजों को बचाना शुरू किया, पर बीजों पर संकट टला नहीं था। नए खान पान और हाइब्रिड बीजों के सामने बारानाजा की उपेक्षा होने लगी। हम कहते थे ये आप इसको मोटा अनाज मत कहिए, जैसे इसको कहते ना मोटा अनाज मंडवा झंगोरा कोदो कुटकी चीना कौनी ये मोटा अनाज कहते हैं और सारे लेखन में मोटा अनाज आता है जबकि वो सबसे बारीक अनाज है। तो हम कहते थे नहीं इसको मोटा अनाज उपेक्षा पूर्व कहते हैं, जैसे कहते हैं ना गाँव के आदमी को गंवार कह देते हैं और इन अनाजों को मोटा अनाज क्योंकि इनको गांव के लोग खाते हैं। हम शुरू से कहते आए इनको पोषण के अनाज या पौष्टिक अनाज कहते थे। आज खुद भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया है ये पौष्टिक अनाज हो अंग्रेजी में न्यूट्रिशन। बारानाजा को हमेशा से ही जैविक तरीके से उगाया जाता रहा है। जैविक भोजन के चलन से भी आज बारानाजा के कई सारे अनाजों की डिमांड उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों में भी बढ़ गई है। ऐसे कई लोग हैं जो पारंपरिक बीजों को ना सिर्फ उगाते हैं बल्कि दूसरे किसानों को भी मुहैया कराने का काम करते हैं। प्राचीन काल से ही इन्हें धरोहर के रूप में संजोया जाता रहा है। हमने सुना है कि पहले जो हमारे पूर्वज थे तो एक बार सूखा पड़ गया था जैसे, तो लोगों ने भूखे से मर गए पर बीज नहीं खाए, इसलिए नहीं खाए कि कोई जिंदा रहेगा तो वो बीज बोएगा। जैसे आजकल के लोग बैंकों में पैसे रखते हैं, पहले के लोग तोमड़ी होती थी तोमड़ी उसमें रखते थे, जैसे लौकी होती तो वो गोल लौकी होते ना जो उसका बनाते थे, पहले कोई चीज़ नहीं थी रखने के लिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों के अधिकांश किसान बीजों का महत्व भलीभांति समझते हैं, वे अभी भी इस पद्धति को अपने जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं। पहाड़ी जीवन पर भले ही पलायन का गहरा असर हुआ हो फिर भी आने वाली पीढ़ी से लोगों की आस छूटी नहीं है। तो गांव में रोड पहुंच गई है, बिजली पानी हो गया है और लोग रिवर्स पलायन भी हो रहा है, क्योंकि मैं कई जगह सुना कि मैं अपने घर में मकान ठीक कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने मकान ठीक करने जो छोड़ के चले गए। तीन पीढ़ी के एक बार बच्चे हुए उड़ गए, दोबारा फिर दूसरे आया उसने भी हम बच्चे दिए अंडे हुए बच्चे वो भी उड़ गए, ऐसे तीन बार हो गया है और चौथी बार फिर आ रही। चिड़िया चाहे उड़कर कहीं भी चली जाए पर कभी अपने घोंसले को भूल नहीं पाती। जिस तरह वो देर सवेर वापस आकर उसी घोंसले में अपनी दुनिया बसा लेती है उसी तरह उत्तराखंड के लोग उनके जीवन पर पड़ रहे अनुचित विकास के प्रभाव को समझकर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। पलायन के चक्र को उल्टा करने में हिमालय की जीवन पद्धति ही इसमें उनका साथ दे रही है।